हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे टेंशन मेंबर से रिलेटेड, ठीक है। तो टेंशन मेंबर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी इससे हेल्प मिलती है अपने एग्ज़ाम के लिए तो इससे शेयर भी ज़रूर कर दें इस वीडियो को, सो दैट जिन्हें ज़रूरत है उन तक पहुँचे भी, ठीक है। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं टेंशन मेंबर के। पहला क्वेश्चन आप लोग देखो स्क्रीन पर है, 1 मार्क क्वेश्चन, कि तुम्हारा द नेट इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेटेड इन द स्टील एंगल टेंशन मेंबर डिज़ाइन अकाउंट्स फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बोला है कि द नेट एरिया हम लोग जो एंगल सेक्शन के लिए कैलकुलेट करते हैं वो किस किस को अकाउंट करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एंगल सेक्शन के रिलेटेड, ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग ए नेट लिखते हैं वो ए नेट हम लोग लिखते हैं A1 प्लस के A2, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात उठता है ये A1 A2 क्या है। ये A1 जो है ये तुम्हारा कनेक्टेड लेग का एरिया रहता है और ये A2 जो है वो आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया रहता है, ठीक है। अब तुम लोग समझो यहाँ के हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे शियर लेग का इफेक्ट आता है। जो आउटस्टैंडिंग लेग है जो तुम्हारा, जैसे अगर मान लो हम लोग इस लेग को कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें तो इस पॉइंट से स्ट्रेस तुम्हारा डेवलप हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, स्ट्रेस तुम्हारा अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मान लो अगर इसमें इस तरीके से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है लेकिन ये लेग तो कनेक्टेड नहीं है ना, तो ये एंड तक मेरा फ्री होते जाता है। तो इसमें अगर हम लोग स्ट्रेस वेरिएशन देखें यहाँ पे तो इस तरीके से कुछ रहता है। तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म करने के लिए यहाँ पे के का फैक्टर लेते हैं, सो दैट हमारा कैलकुलेशन अच्छे से रहे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे के का शियर लैग को अकाउंट फॉर करने के लिए हम लोग यहाँ पे के लेते हैं। और के जनरली हम लोग लिखते क्या हैं कि अगर ये वाला मेरा केस रहा, ये मेरा गसेट प्लेट है, यहाँ पे अगर एंगल मेरा एक कनेक्टेड है, ठीक है, अगर ये कनेक्टेड है तो इस तरह के केस में हम लोग सिंगल एंगल के केस में के इज़ इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ऑफ A1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A2 लेते हैं। अब A1 A2 मैंने बता दिया तुम्हें क्या होता है। अब ये इस तरीके का केस हो गया, आगे और भी केस आएगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये A1 अब हम लोग कैसे लिखेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखें इसको गौर करके इस एंगल सेक्शन को, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके अलॉन्ग ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसे हम लोग A1 मान लेते हैं जो मेरा कनेक्टेड पोर्शन है, यही तो मेरा कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसे A1 मानते हैं और इसे A2 मानते हैं। अब इस A1 क्या है, अगर ये कनेक्टेड है तो यहाँ पे तुम्हारा होल होगा, ठीक है, जो तुम्हारा अंदर की तरफ बोल्ट गया होगा, तो यहाँ पे एक होल गया होगा जिसका कि तुम्हारा डी नॉट डाया का होल होगा, ठीक है। अब ये टोटल लेंथ अगर मेरा L1 है ये वाला, ठीक है, और ये वाला टोटल लेंथ अगर मेरा L2 है, और थिकनेस अपना तो एंगल सेक्शन का अगर हम टी मान के चलते हैं, ठीक है, तो देखो इसको रफली हम लोग क्या करेंगे ना, A1 को हम लोग अगर इसको हम लोग खोल दें, ठीक है, अगर हम लोग इसको खोलें, मतलब इस एंगल सेक्शन अगर जो ऐसे है इसको हम लोग सीधा ऐसे खोल दें इस तरह मोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक तो फिर से अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, अब अगर हम लोग इसको खोलें तो एक तो ये वाला पोर्शन मेरा नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन घूम के नीचे आ रहा है, ठीक है। फिर ये वाला जो पोर्शन है ना, कहाँ गया ये वाला पोर्शन, ये जो है ये भी घूम के और नीचे आएगा। तो तुम्हारा साथ में क्या हो रहा है ना, ये वाला थिकनेस जो है वो 2 बार नीचे आ जा रहा है, वो मतलब 2 बार तुम्हारा काउंट हो जाएगा। तो एक बार हमें सब्ट्रैक्ट करना रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऑन एन एवरेज कैसे करके चलेंगे, देखो इस तरीके का मान के चलेंगे, ये ऊपर वाला देखो मैं सेट कर दे रहा हूँ, ये A1 मानेंगे, ठीक है, और जो मैं सीधे सीधे सेट कर रहा हूँ इसको हम लोग A2 मानेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको हम लोग रेक्टेंगल मान के चलें, ठीक है, तो ये नीचे एक ट्राइंगल बचेगा मेरा, ये तुम्हारा क्या है, ये टी है, ये भी टी बचेगा थिकनेस जो मैंने बताया तुम्हें अभी, और ये टोटल लेंथ तुम्हारा कितना हो गया, ये वाला ना, ये तुम्हारा L1 हो गया, ठीक है, ये टोटल लेंथ L1 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो एक एरिया की और एक चीज़, यहाँ पे तुम्हारा एक होल भी होगा, ठीक है, इसका तुम्हारा डी नॉट करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एरिया लिखें, ठीक है, A1 का, तो देखो यहाँ पे L1, ठीक है, और पहले रेक्टेंगल का लिख ले रहे हैं, ये वाला रेक्टेंगल का, उसके बाद ट्राइंगल का इंक्लूड करेंगे। तो L1 माइनस टी वो लेंथ हो गया मेरा, ये वाला लेंथ टोटल, ठीक है, ये लेंथ L1 माइनस टी इंटू टी। उसके बाद देखो क्या, ये वाला
होल वाला एरिया तो माइनस हो रहा है, ठीक है, ये अंदर की ओर पूरा तुम्हारा जाएगा, तो ये डी नॉट भी माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस डी नॉट, ठीक है। अब ये लेंथ मिल गया इंटू विड्थ, विड्थ कितना है ना तुम्हारा, ये टी है, ठीक है, तो यहाँ पे टी प्लस, अब नीचे बचा तुम्हारा ये ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हो जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल एरिया, तो इसका सिंपली हाफ बेस इंटू हाइट कर देंगे तो हाफ टी इंटू टी हो जाएगा, तो वो टी स्क्वायर बाई टू हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग फिर से यहाँ पे देखें इस एक्सप्रेशन को, यहाँ अच्छे से लिखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, यहाँ पे होगा तुम्हारा, अब अगर हम टी कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ से दोनों में से टी कॉमन ले लें, तो ये एल वन माइनस डी नॉट होगा, ठीक है, माइनस टी होगा प्लस टी बाई टू होगा, ठीक है, यही बनेगा एक्सप्रेशन तुम्हारा। अब इस ए वन को अगर हम लोग लिखना चाहें यहाँ पे, तो टी टाइम्स, अब ये माइनस टी और प्लस टी बाई टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल वन माइनस डी नॉट माइनस टी बाई टू, ठीक है, तो ये तुम्हारा ए वन का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब अगर हम लोग ए टू की एक्सप्रेशन की बात करें, तो ए टू अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पे, तो इसमें तो इस ए टू में मेरा कोई बोल्ट होल है नहीं, तो इसमें हमें क्या होगा ना, सिर्फ डी नॉट वाला टर्म गायब करना होगा। तो अगर हम लोग डी नॉट वाला टर्म गायब करें, तो यहाँ पे अगर हम ए टू अब लिखें यहाँ पे, तो ये टी टाइम्स एल वन माइनस टी बाई टू। अब देखो इतना जो हम जाम फाड़ किए यहाँ पे, इतना किस लिए किए ना, तुम्हें दिखाने के लिए कि यहाँ पे जो ए नेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अब यहाँ पे ए नेट लगा देना, ए वन प्लस के ए टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए वन में क्या हो रहा है ना, तुम्हारा डी नॉट अकाउंट हो रहा है, ठीक है, ये डी नॉट क्या है ना, डाया ऑफ होल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन में तुम्हें कहीं दिख रहा है कि बोल्ट होल से कंसिडर करता है, अब कोई ऑप्शन में एक तुम्हें इसमें भी बोल्ट होल दिख रहा है, ठीक है, तो अब ये दो ऑप्शन में से कोई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग जो टेंशन फोर्स निकालते थे, ठीक है, तो टेंशन फोर्स हम लोग कैसे निकालते थे ना, स्ट्रेस मेरा कितना होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे टेंशन फोर्स देख लें, डिज़ाइन टेंशन फोर्स, तो स्ट्रेस तो सिग्मा परमिसिबल इंटू एरिया कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरिया हम लोग क्या यूज़ करेंगे ना, ए नेट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखो फिर से ए नेट मेरा किसके लिए यूज़ हो रहा है ना, ये फोर्स कैलकुलेट करने के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है, टेंसाइल फोर्स इन बोल्ट होल। तो ये था देखो वन मार्क क्वेश्चन, ठीक है, तो वन मार्क क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट से टू मार्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन था तुम लोग याद रखना, आगे सिर्फ मैं केसेस डिस्कस करता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू मार्क क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो बोला गया है, इन अ डिज़ाइन ऑफ वो वेल्डेड टेंशन मेंबर, वेल्डेड टेंशन मेंबर बोला गया, द एंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग इज एज्यूम टू बी इफेक्टिव एरिया इन केस ऑफ एंगल्स, ठीक है, वेल्डेड है तो यहाँ पे कोई मेरा बोल्ट होल माइनस नहीं होगा, तो एंटायर क्रॉस सेक्शन मेरा, ठीक है, एंटायर क्रॉस सेक्शन कंट्रीब्यूट करेगा। अब बोला है यहाँ पे टू एंगल्स बैक टू बैक टेक वेल्डेड एज पर कोडर रिक्वायरमेंट मे बी एज्यूम टू बिहेव एज टी, टू एंगल्स बैक टू बैक बोला है, बैक टू बैक कहने का मतलब समझो कि एक दूसरे को पीठ दिखाना, ठीक है, तो एंगल एक दूसरे को पीठ दिखाते हुए अगर कनेक्टेड यहाँ पे बोलेगा, तो अगर हम ये एक एंगल बनाए तो दूसरा एंगल कैसे बनाएंगे, अगर हम ये वाला मेरा एंगल का पीठ है ये वाला, तो दूसरा एंगल भी मेरा इसको पीठ दिखाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे बना देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो दो एंगल बैक टू बैक कनेक्टेड है, अब बोला टेक रिवेटेड, तो यहाँ पे हम लोग टेक रिवेटेड दे दिए, तो टेक रिवेट मतलब कि ये दोनों को पकड़ के रखेगा एज अ सिंगल बॉडी, ये कोई लोड बियर नहीं करेगा, ठीक है, टेक रिवेट का यहाँ कोई लोड बियर नहीं करेगा, ये इतना ये तुम लोग याद रखना, ठीक है। अब बोला है यहाँ पे मे बी एज्यूम टू बिहेव एज सिंगल टी सेक्शन, ठीक है, ये सिंगल अब दोनों को एक दूसरे के साथ पकड़ के रखेगा, तो ये ऐसा टी सेक्शन बिहेव करेगा। आप लोग देखो ये टी नहीं दिख रहा है क्या, इस तरीके से आप लोग को उल्टा टी दिख रहा है, तो जो हम लोग ए बी सी डी वाला टी लिखते थे, ठीक है, तो ये टी सेक्शन हो गया यहाँ पे। अब बोला है चेक ऑन सिलेंडरनेस रेशियो मे बी नेसेसरी इन सरफेस, चेक इन सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है, हाँ टेंशन मेंबर है तुम्हारा, तो हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सिलेंडरनेस रेशियो का अपना जो लिमिट होता था, वो जो तुम लोग पढ़े थे डेड लोड लाइव लोड के लिए 180 वाला, उसके बाद फिर 350, फिर जाके 400, ठीक है, स्ट्रेस रिवर्सल ये हो गया था 350, फिर तुम्हारा 400 प्री स्ट्रेस वाले के लिए, ठीक है, तो ये तुम याद रखना। तो ये हम मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होगा, मुझे तीन ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला टू इक्वल एंगल्स इन आई एस ए, यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड एंगल है,
100 mm 100 mm मतलब ये तुम्हें डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, इधर 100 है तो इधर भी 100 है, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन रहता है। और अगर इंटू एक और देगा तो वो तुम्हारा थिकनेस हो जाएगा, ठीक है, इंटू और 10 mm। ये देखो यहाँ अलग से मेंशन कर दिया, आर प्लेस्ड बैक टू बैक। फिर से बैक टू बैक करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पीठ दिखाते हुए खड़ा है ये लोग, ठीक है, कनेक्टेड ऑन आइदर साइड ऑफ द गसेट प्लेट, ठीक है, कनेक्टेड ऑन आइदर साइड ऑफ द गसेट प्लेट। तो यहाँ पे पहले हम लोग अगर इसका जो डायग्राम का थोड़ा सा आइडिया ले लें यहाँ पे, ठीक है, ये अगर मेरा गसेट प्लेट है तो ये एक हो गया बैक टू बैक ऑन द आइदर साइड ऑफ गसेट प्लेट। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बोला गया है कि थ्रू अ सिंगल रो ऑफ 16 mm रिवर्स डायमीटर इन अ डबल सीयर। अब सिंगल रो ऑफ 16 mm डाया मतलब कि अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो हमें पता तो नहीं चलेगा ना कि अंदर की ओर कितना रिवर्ट्स लगा हुआ है। वही अगर हम लोग इसको इस तरीके से थोड़ा इमेजिन करके देखें, अपना एंगल ऐसे दिखेगा और ये जो थिकनेस है उसका ऐसे दिखेगा, ठीक है। वही अगर हम लोग गसेट प्लेट मेरा पीछे की ओर रहेगा, अगर हम लोग यहाँ पे कितना भी रिवेट लगा हुआ है ये तो हमें नहीं पता ना कि कितना रिवेट्स लगा हुआ है, बस हमें पता है कि ये एक लाइन में लगेगा, ठीक है, एक लाइन में यहाँ पे हमें दिख रहा है तो हम यहाँ पे एक लाइन में ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। अब वही अगर तुम लोग सामने से देखोगे तो पता चलेगा कितना रिवेट हम लोग दिए हैं, ठीक है। इसे बोला गया 16 mm डायमीटर। तो यहाँ पे डिनोट कितना हो जाएगा, होल डाया तुम्हारा 24 से कम है तो उसके लिए हम लोग का क्लियरेंस 1.5 रहता है, तो 16 प्लस 1.5 तो ये हो जाएगा 17.5 mm, ठीक है। अब आगे देखो, द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कनेक्टेड एंड अनकनेक्टेड लेग दे दिया, मतलब A1 A2 भी तुम्हें दे दिया है, ठीक है, इतने क्वेश्चन से ही देख के हम लोग करेंगे। ये A1 हो गया, ठीक है, और A2 तुम्हें 950 दे दिया है। अब बोला है कि इफ़ द एंगल्स आर नॉट टैक रिवेटेड, अब देखो ये टैक रिवेटेड नहीं बोला है तो वो दोनों सेक्शन अपना अलग अलग बिहेव करेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगा। तो यहाँ पे नेट इफेक्टिव एरिया बोला है, तो चूंकि ये टैक रिवेटेड नहीं है तो एज अ मैंने बताया था टैक रिवेट का काम क्या होता है कि इन दोनों को होल्ड करके रखना टू बिहेव एज अ सिंगल बॉडी, वो तुम्हारा कोई लोड बियर नहीं करेगा, ठीक है। अब टैक रिवेटेड नहीं है तो ये कुछ अलग तरफ करेगा, ये कुछ अलग तरफ करेगा, तो ए नेट जो हम लोग लिखते थे वहाँ पे A1 प्लस के A2, ये अगर मेरा फिर सिंगल एंगल के लिए हो गया तो यहाँ पे चूँकि ये दोनों अलग अलग अपने में बिहेव करेगा इंडिविजुअली, तो यहाँ पे A नेट जो हो जाएगा वो मेरा 2 times हो जाएगा, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई होगी आपको। अब यहाँ पे इफेक्टिव नेट एरिया बोला है तो नेट एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, A1 A2 तुम्हें दिया ही हुआ है तुम यहाँ से डाल देना, बाकी ये जो तुम्हें टैक रिवेटेड नहीं है तो ये इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगा, तो इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगा तो हम लोग इसका अलग अलग एक एक सिंगल केस बना के देख सकते हैं एक इस तरीके से, और फिर अगर ये मेरा है और एक इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके वाले केस में मेरा के क्या होता था सिंगल एंगल के केस में, 3 times of A1 by 3 times of A1 plus A2, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा के डाल देना, बाकी आंसर तुम्हारा खुद ब खुद आ जाएगा। अब एक कॉमन डेटा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 and 5, यहाँ पे बोला है अ ट्रस टाई कंसिस्टिंग ऑफ, यहाँ पे बोला टू इंडियन स्टैंडर्ड एंगल्स जिसकी डायमेंशन तुम्हें दी हुई है 75 × 75 × 8 mm कैरीज अ पुल ऑफ इतना, मतलब वो टेंशन फोर्स दिया गया, ठीक है। एट द एंड्स द टू एंगल्स आर कनेक्टेड, ठीक है, वन ईच ऑन आइदर साइड ऑफ अ 10 mm थिक गसेट प्लेट, ठीक है। अब ये भी केस तुम्हारा क्या हो गया ना, ये वाला केस हो गया, वन ईच ऑन आइदर साइड ऑफ द गसेट प्लेट, ठीक है, बाय 18 mm रिवर्स। तो यहाँ पे 18 mm हो गया, तो यहाँ पे भी मैंने तुम्हें बताया, तो यहाँ पे डिनोट तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिनोट हो जाएगा ना तुम्हारा यहाँ पे 18 plus 1.5, तो ये हो जाएगा 19.5 mm, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे द अलाउबल स्ट्रेस इन रिवेट्स दिया हुआ है, FS शीयर में दिया हुआ है और बियर में दिया हुआ है, तुमसे पूछा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, यहाँ पे तुम्हें फोर्स दिया हुआ है तुम्हें बस एरिया चाहिए, तो यहाँ से यही वाला अगर केस है तो यहाँ पे अगर टैक रिवेटेड नहीं बोला है तो हम लोग नहीं मानेंगे कि ये टैक रिवेटेड किया हुआ है, ठीक है, अगर बोला होता तो मान के चलते, ठीक है, अब तो नहीं मानेंगे उस तरीके से, तो फिर से ए नेट तुम्हारा किस फॉर्मूले से निकलेगा ना, इसी फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। ए नेट जब तुम निकाल लोगे यहाँ पे तो तुम्हारा
ये जो स्ट्रेस आएगा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो हो जाएगा तुम्हारा 150 किलो न्यूटन बाय ए नेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम 150 किलो न्यूटन को क्या करना, 150 × 10^3 करके न्यूटन में रख लेना, यहाँ पे ए नेट डाल देना, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बोला है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। ठीक है, अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड एट ईच एंड। तो तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट्स निकालने के लिए पहले क्या चाहिए होगा, तुम्हें रिवेट वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि तुम्हें याद होगा अगर टोटल लोड जो हमारे पास रहता था उसको अगर हम लोग रिवेट वैल्यू से डिवाइड करते थे, क्योंकि ये रिवेट वैल्यू तो हर एक रिवेट की होती थी ना, तो अगर एक रिवेट वैल्यू मेरा, अगर एक रिवेट मेरा आरवी रेजिस्ट कर रहा है तो टोटल लोड को रेजिस्ट करने के लिए कितना चाहिए होगा, कितना रिवेट्स नंबर ऑफ चाहिए होगा, तो एक नंबर ऑफ रिवेट वाले से डिवाइड कर देंगे तो वो हमें एन नंबर ऑफ रिवेट्स दे देगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले रिवेट वैल्यू चाहिए होगी। तो अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम को देखो अच्छे से, इसी पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। ठीक है, इस वाले डायग्राम में देखो ना, ये जो अगर तुम्हारा बोल्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये जो बोल्ट लगा हुआ है तुम्हारा, एक तो देखो तुम शेयर करना चाहेगा इस, ये एंगल इस तरह से तोड़ना चाहेगा और ये एंगल इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको देख के क्या बोल सकते हैं ना, ये मेरा डबल शेयर में है। ठीक है, एक अपना कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं डबल शेयर में है, तो डबल शेयर के लिए अपना जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, 2 × π/4 × d². ठीक है, रिवेट है तो डी नॉट स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा अपना एरिया हो जाएगा इंटू परमिसेबल स्ट्रेस जितना होगा शेयरिंग में, ठीक है, कोमा बियरिंग वाला तो FBR, ठीक है, इंटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा तुम्हारा ना, अगर हम लोग यहाँ पे बियरिंग मेरा कौन करेगा, ये बोल्ट वाला अगर देखें तो उसका बियरिंग मेरा डाया इंटू थिकनेस वो वाला एरिया होता है, अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा काम आता है। ठीक है, यहाँ पे बियरिंग में, तो यहाँ पे डी नॉट इंटू टी हो जाएगा, इसका हम लोग प्रोजेक्शन लेके देखेंगे, तो ये मेरा, ये डी नॉट हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी नॉट इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का जो मिनिमम आएगा, इन दोनों का जो मिनिमम आएगा वो मेरा रिवेट वैल्यू होगा, और लोड तुम्हें दी हुई है 150, उससे डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा नंबर ऑफ रिवेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़ो, तब तक मैं एक चीज़ वेरीफाई कर लेता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोल रहा है, एन इंडियन स्टैंडर्ड एंगल जिसकी डायमेंशन आपको दी हुई है 100 × 100 × 10, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो अपने से आप ज़्यादा कैलकुलेट करने मत जाना, इसी को यूज़ करना। ठीक है, बोला है सर्व्स एज अ टेंसाइल मेंबर, दिस एंगल इज वेल्डेड टू अ गसेट प्लेट अलॉन्ग ए एंड बी अप्रोप्रिएटली एज शोन, मतलब तुम्हें दिखाया गया है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके एरिया याद करके रख लो 1908। ठीक है, तो ये डेटा हम लोग लिख लेते हैं 1908। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1908 mm² लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज टू बी इतना, स्टील की स्ट्रेंथ तुम्हें दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टील की अगर स्ट्रेंथ दी हुई है मतलब ये इतनी स्ट्रेंथ तक झेल सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग FY मान सकते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर कैन बी टेकन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, बाकी ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये देखो तुम्हें वेल्डिंग दिया हुआ है, वेल्डिंग देखो किस तरीके से किया हुआ है, नहीं ये अंदर की ओर किया हुआ है। ठीक है ना, अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ थोड़ा 3D में, अगर इसी को ऐसे इसी डायग्राम में देख लो ना थोड़ा, अगर ये इस तरीके से जाएगा, यहाँ से एंगल ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा और ये इसके अलॉन्ग जाएगा फिर एक, और ये इसका ये दिखेगा। ठीक है, अब देखो ये जो वेल्ड किया है ना, ये इस तरीके से किया हुआ है। ठीक है, और ये तुम्हारा गसेट प्लेट भी इधर जाएगा कुछ। ठीक है, तो ये ऐसे वेल्ड किया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से ये अंदर की साइड में ये वाला वेल्ड भी किया हुआ है, ये अंदर की साइड किया होगा, हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये अंदर की साइड मतलब, अंदर मतलब क्या, ये वाला जो लेग है ना, ये वाला लेग, ठीक है, ये वाला लेग इसके नीचे से गया है। ठीक है, इसके नीचे से वेल्ड गया होगा। ठीक है, तो आई होप गाइस आप लोग ये इमेजिन कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से वेल्डिंग की हुई है इसमें। ठीक है,
तब हम लोग कैलकुलेशन की बात करें क्वेश्चन के, यहाँ पे तो हमें निकालने बोला गया है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर निकालने बोला गया है, स्ट्रेंथ बोला है, ठीक है, स्ट्रेस नहीं। स्ट्रेस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, फोर्स बाई एरिया, ठीक है। तो ये स्ट्रेस लिखते थे, तो यही जो फोर्स मेरा वो ले पाएगा वही तो मेरा स्ट्रेंथ होगा। तो इस स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फिर स्ट्रेस इंटू एरिया हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे एरिया जो है, एरिया हमारा बेसिकली दिया हुआ है, जो हमें एरिया ये जो है 1908 यहाँ पे दिया हुआ है, ये मेरा एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वही एरिया काउंट होगा क्योंकि यहाँ पे कोई होल वुल माइनस है नहीं, तो वही एरिया होगा, ठीक है। बाकी बात आती है यहाँ पे स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस देखो यहाँ पे स्ट्रेस का हम लोग क्या यूज़ करेंगे ना, स्ट्रेस हमें टेंशन में मेरा जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है वो हम लोग कितना लेते हैं, वो हम लोग 0.6 टाइम FY लेते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग थोड़ी सी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेंडिंग में जो हम लोग लेते हैं वो हमारा 0.66 FY होता है, और सबसे ज़्यादा किस में सहन शक्ति चाहिए होता है ना, बियरिंग में। बियरिंग में आप लोग क्या कर रहे हो ना, बियर कर रहे हो, सबसे ज़्यादा सह रहे हो, तो यहाँ पे 0.75 FY होता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से थोड़ा सोच के याद रख सकते हो, ठीक है। और बीच का जो वैल्यू होगा वो बेंडिंग वाला होगा, ठीक है। तो लगे हाथ हम लोग शीयर की भी बात कर लेते हैं, शीयर पे हमारा जो परमिसेबल स्ट्रेस होता है वो कितना होता है। तो अगर हम लोग एवरेज कंडीशन के लिए बात करेंगे तो वो हमारा 0.4 FY होता है, ठीक है। और वही अगर हम लोग मैक्सिमम वाली बात करेंगे तो वो हमारा 0.45 FY होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना, ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा फिर ये एफ जो निकल जाएगा तुम्हारा 0.6 टाइम 260 इंटू ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से जो आंसर आएगी तुम्हारी वही बन जाएगी, ठीक है। तो एक बार को आप लोग कैलकुलेट करके देखो, अगर यहीं से देखना चाहो तो वो तुम्हारी आंसर आएगी, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेट करो, तब तक मैं स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने बना लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है टू स्टील प्लेट्स क्या बोला गया है टू स्टील प्लेट्स ऑफ विड्थ दी गई है, थिकनेस दी गई है आर थ्री विथ थ्री इतना एम एम डायरिवेट्स प्लेस्ड इन जिगजैग पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जिगजैग पैटर्न मतलब क्या है, जिगजैग पैटर्न जो है तुम्हारा काम, पहले पिछले वाले का आंसर करके देखो तो आ रहा है क्या आंसर, आना तो चाहिए वैसे, मैं भी एक बार चेक कर लूँ थोड़ा कैलकुलेटर से। 0.6 इंटू 260 इंटू 1908, ठीक है। तो ये 297 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो ये 297 आ रहा है, लेकिन बात यहाँ पे है कि ये जो एरिया दिया गया इसका पर्पज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप लोग बात करोगे तो यहाँ पे कनेक्टेड लेग भी तो मेरा एक ही लेग है ना, सिर्फ ये लेग कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ये मेरा आउटस्टैंडिंग हो गया। तो यहाँ पे हमें ए नेट किससे कैलकुलेट करना चाहिए था, ए वन प्लस के ए टू से कैलकुलेट करना चाहिए था, जिसमें कि ये के तुम्हारा 3 टाइम्स ऑफ ए वन बाय 3 टाइम्स ऑफ ए वन प्लस ए टू होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग एक बार इससे भी कैलकुलेट करके देखना, मुझे लगता है यही अप्रोच फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे भी ये कनेक्टेड हो गया, ये आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। तो आप यही अप्रोच फॉलो करना, ठीक है। वो जो एरिया दिया गया मुझे नहीं पता उसका सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो पहले ये अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे दो स्टील प्लेट दिया गया है, ईच ऑफ विड्थ 150 mm, थिकनेस इतना, थ्री इतना, रिवेट्स आर प्लेस्ड इन जिगजैग पैटर्न, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे प्लेट्स बना लेंगे, एक प्लेट ये है, ऊपर नीचे ही तो होगा, ठीक है। तो नीचे से अगर ये ऐसे गया होगा तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं डॉटेड में बना रहा हूँ, ठीक है। और ये कंटिन्यूएशन काम करते हैं, इसको अलग कलर से बनाते हैं दूसरे प्लेट को,
सो दैट अपने को कन्फ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। यहाँ डॉटेड से ये अपना दूसरा प्लेट है, फिर यहाँ पे बोल्ट भी हम दूसरे कलर से बना लेते हैं, ठीक है। जिगजैग पैटर्न में बोला है तो अगर एक बोल्ट हम यहाँ लगाएं, ठीक है, दूसरा यहाँ लगाएं, तीसरा यहाँ लगेगा, ठीक है। इसे बोल्ट लगा हुआ है तो इसे सॉलिड फिल कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या बोला है कि पिच ऑफ रिवेट्स 75 dB है, गेज 60 dB है। इफ द अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस इज इतना, द मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स दैट द जॉइंट कैन विदस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पिच दी हुई है तुम्हें, तो एक बार को अगर हम लोग पिच यहाँ पे करें तो अलग अलग नहीं दी हुई है, तुम लोग हर बोल्ट पे सेम मानेंगे, ठीक है। ये पिच दी हुई है तुम्हारी 75, ठीक है। और वही हम लोग सेम फिर इसके लिए देखेंगे तो ये 75, ठीक है। अब पिच मेरा अगर इधर से इधर को मेरा टेंशन फोर्स लग रहा होगा तो पिच मेरा अलोंग द फोर्स होता है, ठीक है। गेज तुम्हारा दिया हुआ है 60 mm, ठीक है। तो गेज को भी एक बार को हम लोग अलग कलर से थोड़ा दिखा देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग दिखाना चाहें तो थोड़ा इस कलर से दिखाते हैं। तो हर दो बोल्ट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर टू सेंटर परपेंडिकुलर टू ये जो लोड लगा रहे हैं हम लोग, तो ये अपना 60 हो जाएगा। इसको दिखा दो यहाँ 60, इसको दिखा दो यहाँ 60, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब बाकी तुम्हारे जो निकलेगा ना मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स, वे हमें हमें सबसे पहले चाहिए कि ये फेल कैसे करेगा, किस पाथ के लॉन्ग फेल करेगा, ठीक है। तो फेलियर पाथ अगर हम लोग दिखाना चाहें तो हम लोग एक काम करते हैं, देखते हैं। अगर ये सपोज करो मेरा सिर्फ इसके अलॉन्ग ही फेल कर गया, ठीक है, ऐसे ऐसे ही चल को फेल कर गया सीधा सीधा, ठीक है, इस बोल्ट के अलॉन्ग, तो इस पाथ को हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे 1-1, ठीक है। अब मान के चलो कि ये मेरा कुछ ऐसे फेल कर रहा है, दिखाता हूँ अभी। इधर से शुरू हुआ, ठीक है, उसके बाद इसको मन किया कि हम इधर से टूटेंगे, ठीक है, और ये टूटता टूटता इधर आ गया, तो इसको हम लोग टू टू मान लेते हैं। तो इसका फेलियर पाथ ऐसे हुआ। अब ये बोला कि नहीं, हम सिर्फ वैसे नहीं रहेंगे, हम क्या करेंगे, हम ऐसे टूटना चाहेंगे, सबको लेके डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, सबको लेके डूबेंगे। तो ये एक इधर से गया, उसके बाद बोलेगा नहीं यहाँ से मेरा पेट नहीं भरा, हम ऐसे जाएंगे, फिर बोलेगा नहीं हम उधर नहीं जाएंगे, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। तब ये ऐसे बोल रहा है कि ऐसे फेल करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग तीन फेलियर पाथ नाम देते हैं, 3-3, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ना मेरा सबसे ज़्यादा एरिया किस पाथ में मेरा कम मिलेगा, ठीक है। तो A1 में मेरा क्या होगा, अगर हम लोग इस अगर मान रहे हैं कि इस सेक्शन में फेल हो रहा है, तो इस सेक्शन का अगर हम लोग डायग्राम बनाएं टोटली, तो इस सेक्शन का डायग्राम मेरा ऐसे बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा रेजिस्ट करेगा और ये रेजिस्ट करेगा, तो ये तो मेरा होल है, तो यहाँ पे मेरा इसको एरिया मिल नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें कुछ पिच भी है नहीं, ठीक है, इंक्लाइंड, तो ये मेरा सिर्फ बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। एन जो तुम्हारा है नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, तो यहाँ पे एक। फिर अगर हम लोग इस पाथ की बात करें 2-2 की, तो अगर मेरा इंक्लाइंड लाइन आता था तो उस केस में हमें याद होगा कि यहाँ पे हम लोग का जो
एक सम हो जाता था पी स्क्वायर बाय 4g इंटू टी करके, ये मेरा एडिशन एडिशनल आता था, ठीक है, एडिशनल एरिया हमें मिलता था उस केस में, ठीक है। तो और फिर बाकी यहाँ पे देखो, 2 वोल्ट अगर मेरा 2-2 में माइनस होगा तो यहाँ पे बी माइनस 2 टाइम्स डी नॉट इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा 2-2 का पाथ हो गया, ठीक है। अब अगर 3-3 का पाथ देखें तो यहाँ पे देखो 3-3 में तुम्हें क्या दिख रहा होगा ना, 1, 2, 3 वोल्ट को ये लेके जा रहा है, तो यहाँ पे 3 वोल्ट को अगर लेके जा रहा है और ये तुम्हारा इसमें एक ही इंक्लाइंट पाथ आया, ठीक है। अब यहाँ पे 3-3 में एक तो ये इंक्लाइंट पाथ है और एक ये इंक्लाइंट पाथ है, तो यहाँ पे हम लोग ये ले लेंगे, बी माइनस 3 वोल्ट हो जाएगा प्लस एक्स्ट्रा मेरा क्या आएगा ना, 2 आएगा दोनों के लिए, पी स्क्वायर बाई 4g इंटू टी प्लस पी स्क्वायर बाई 4g इंटू टी, ये किसका है ना, 3-3 का है। अब अगर हम लोग बोलें यहाँ पे कि इसको अलग अलग क्यों लिखें, अलग अलग इसलिए लिखें ना, तुम्हारे पास कभी को कोई केस कन्वेंशनल क्वेश्चन में ये दे सकता है कि इसके लिए पीच अलग हो और ये वाले के लिए पीच अलग हो, ठीक है। तो उस केस में फिर मान लो अगर कहीं तुम्हें गेज डिस्टेंस ही अलग दे दिया, ठीक है, तो उस वाले केस में तुम्हें अलग अलग करना होगा, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग करके जोड़ना होगा। तो इसमें ये 2 एडिशनल मिल गया हमें, बट ये तुम्हारा यहाँ पे देखो घट रहा है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे A1 बोलें, इसको A2 बोलें और इसको A3 बोलें, ठीक है। अब यहाँ पे जो तुम्हारा एरिया मिनिमम आएगा, मिनिमम ऑफ A1, A2, A3 वही मेरा क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है, उसी के अलोंग मेरा फेल करेगा, तो उसके अलोंग फेल करेगा तो उसी को हम लोग लेंगे, क्योंकि वही वही मेरा अब डिसाइडिंग हो गया ना कि कितना लोड ये ले सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग अब मेरा डिसाइड होगा। तो ये जो मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स जो बोला है, तो यहाँ पे तुम्हें कि देखो यहाँ पे तुम्हें टेंसाइल स्ट्रेस दे दिया है, टेंसाइल स्ट्रेस तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया होता है, तो हमें ये फोर्स चाहिए, तो स्ट्रेस जो तुम्हें दिया गया कितना दिया गया, 150 के दिया गया, तो 150 टाइम्स हम लोग वो एरिया कर देंगे, ठीक है, मिनिमम वाला, तो वही मेरा गवर्निंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो 2 मार्क क्वेश्चन खत्म हो गया, अब यहाँ पे सिर्फ 5 मार्क क्वेश्चन है, तो 5 मार्क क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 5 मार्क क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ट्रस मेंबर एल इज इक्वल्स टू 2.5 बोला गया है तुम्हें, ठीक है। और इफ इट कंसिस्ट, यहाँ पे एल एल क्या है तुम्हारा, टेंसाइल ट्रस मेंबर लेंथ क्या, एंड इफ इट कंसिस्ट ऑफ इतना, फिर देखो सिंगल एंगल का तुम्हें ये डायमेंशन दिया हुआ, इधर सौ और बाकी जो ये थिकनेस होता था अपना, ठीक है, ये थिकनेस तुम्हारा 8, इस तरीके से नोटेशन देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में चलें, यहाँ पे पूरा देखें, यहाँ पे फिर बोला गया डबल एंगल, 2 इंडियन स्टैंडर्ड एंगल है जिसमें कि टैक रिवेटिंग किया हुआ है, टैक रिवेटिंग किया हुआ है मतलब कि दोनों एंगल तुम्हारा एज ए सिंगल बॉडी बिहेव करेगा, ठीक है, इस तरीके से। और डबल रिवेटिंग विदाउट टैक रिवेटिंग, तो यहाँ पे अगर हम लोग ए नेट वाला निकालने का कोशिश करेंगे तो ए नेट तुम्हारा आ जाएगा कितना, 2 टाइम्स आएगा, क्योंकि टैक रिवेटिंग नहीं किया गया है, तो 2 टाइम्स A1 प्लस K टाइम्स A2 हो जाएगा, और यहाँ पे K जो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ A1 बाई 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी कहानी रहने वाली है। अब देखो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से कनेक्ट किया है ना, बैक टू बैक कनेक्ट किया ना, आइदर साइड ऑफ गसेट प्लग कनेक्ट किया, ये हमें नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो इस केस में देखो, पहला केस तुम्हें दे दिया गया है, अगर ये पूरा एंगल का बॉडी है और यहाँ पे रिवेटिंग किया हुआ है किसी के साथ, ठीक है, तो इसमें हम लोग मान सकते हैं कि ये वाला मेरा केस कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। अब दूसरे वाले पे देखो क्या केस हम लोग मान सकते हैं, कि अगर ये मेरा एक एंगल है और ये मेरा एक एंगल है, ठीक है, तो बीच वाला है क्या, क्योंकि बीच वाला ये दोनों से तो ऊपर वाला लाइन है, तो कुछ तो होगा, तो बीच वाला हम लोग मानते हैं ये गसेट प्लेट है, ठीक है, उसी तरीके से ये गसेट प्लेट है। तो अगर हम लोग बी वाला का डायग्राम बनाने जाएं, तो बी वाला का डायग्राम देखो यहाँ पे कैसे बनेगा ना, बी वाला का जो तुम्हारा डायग्राम, बीच में एक गसेट प्लेट आएगी, उसके बाद ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर टैक रिवेट किया गया, तो यहाँ पे टैक रिवेट किया गया, तो यहाँ पे तुम्हारा आइदर साइड ऑफ गसेट प्लेट है, तो दोनों एज ए सेम बिहेव करेगा, ठीक है। अब आइदर साइड ऑफ गसेट प्लेट दोनों सेम बिहेव करेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे ना, आइदर साइड ऑफ द गसेट प्लेट, ठीक है। तो इसमें 5 बोला तो नहीं होगा, क्योंकि 5 बोला तो तुम्हारा टी सेक्शन के लिए होता था, ठीक है, अगर इस तरीके से टैक रिवेटेड रहता था और ऐसे ही गसेट प्लेट से कनेक्टेड रहता था, तो इस केस में 5A1 बाई
5a1 प्लस a2 होता था k की वैल्यू, लेकिन इस केस में जो तुम्हारा दिया हुआ है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे ना, 2 टाइम्स ऑफ a ग्रॉस माइनस d नॉट इनटू t करेंगे, ठीक है, यही तो बनेगा मेरा, ठीक है, क्योंकि टैक रिवेटेड है, तो टैक रिवेटेड में मेरा k इज इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल एज अ सिंगल बॉडी बिहेव करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स ए जी इंटू मतलब ग्रॉस, ग्रॉस एरिया मेरा कितना हो जाएगा, दोनों एंगल का जो एरिया हो जाएगा, अब माइनस क्या होगा ना, सिंगल होल का, ठीक है, सिंगल होल वाला एरिया, तो एक बार को मैं चेक कर लेता हूँ, तुम्हें बता देता हूँ, तब तक तुम लोग दूसरे का ट्राई करो यहाँ पे, ठीक है, और तुम्हें यहाँ पे दे दी गई है सारी के की वैल्यू भी, ठीक है, तो आप लोग ट्राई करो, तब तक मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको बुक से, ठीक है। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से होगी ये, आप लोग इसे ही फॉलो करना, आप लोग बिल्कुल सही है ये, ठीक है, और अगर वो टैक रिवेटेड नहीं है तो, टैक रिवेटेड नहीं है तो दोनों अलग अलग बिहेव करेगी, दोनों अलग अलग बिहेव करेगी, तो फिर हम लोग ए नेट जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा तुम्हारा, यार यहाँ पे के ये वाला हो जाएगा, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, सारी चीज़ें हो गई, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हो, तो ये चूँकि ये 5 मार्क क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सेक्शन अलग है, तो इसे कन्वेंशनल के लिए चलो एक अच्छा खासा हमारा प्रैक्टिस हो गया, तो आई होप गाइस आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।